भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान अब चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर गर्दा उड़ाएंगे। भारतीय तकनीक से लैस ये विमान अपनी दोगुनी शक्ति के साथ दुश्मन देश की सेना पर प्रहार करने में सक्षम होंगे। भारतीय वायुसेना को आधुनिक बनाने के लिए केंद्र सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लिया है। इस फैसले के तहत अब वायुसेना में विदेशी मशीन की विदाई होगी। वहीं सभी फाइटर जेट्स अब अंगद और उत्तम से लैस होंगे। इस आधुनिक तकनीक से भारतीय वायुसेना की ताकत दोगुनी हो जाएगी। बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार भारतीय सेना को लगातार अपग्रेड करने में जुटी है। सरकार का लक्ष्य उन्नत तकनीकों से सेना को लैस करने के साथ साथ स्वदेशी तकनीक के इस्तेमाल पर भी पूरा जोर है। इसी कड़ी में अब विदेश से आयात किए गए सिस्टम को विदा कर लड़ाकू विमानों में अंगद और उत्तम नाम के स्वदेशी सिस्टम को इंस्टॉल कराने का फैसला लिया गया है। स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमानों यानी LCA को उत्तम रडार से सुसज्जित किया जाएगा। इसके अलावा अंगद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट को भी विमानों में इंस्टॉल करने का फैसला लिया गया है। सेना ने एक बयान में बताया कि इन तकनीकों के इस्तेमाल से सेना की ताकत दोगुनी बढ़ जाएगी, वहीं विदेशी सिस्टम पर निर्भरता भी खत्म होगी। सेना ने अपने बयान में बताया कि सैन्य हथियार प्रणालियों के स्वदेशीकरण के प्रयास हो रहे हैं। रक्षा अधिकारियों ने बताया कि उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्टैंड एरे रडार और अंगद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट को स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। ये बहुत जल्द LCA Mark 1A विमान के साथ इंटीग्रेट होने के लिए तैयार हो जाएगा। बता दें कि भारतीय वायुसेना पहले ही 83 LCA Mark 1A लड़ाकू विमानों के लिए ऑर्डर दे चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार सेना निकट भविष्य में 97 और विमानों के लिए ऑर्डर देने जा रही है। सूत्रों ने बताया कि 83 LCA Mark 1A के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट और AESA रडार भारत में ही बनाए जाएंगे। इससे इन विमानों में स्वदेशी सामग्री को बढ़ावा मिलेगा, वहीं आयात पर निर्भरता काफ़ी कम हो जाएगी। परियोजनाओं को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की अलग अलग प्रयोगशालाओं में कार्यान्वित किया जा रहा है। रक्षा उद्योग के क्षेत्र में इस प्रयास से विदेशी मुद्रा में लाखों की बचत होगी। सूत्रों ने बताया कि उत्तम रडार का प्रदर्शन भी विकास चरण में बहुत आशाजनक रहा है। इसे उच्च राष्ट्रीय लड़ाकू विमानों में भी इस्तेमाल करने पर भी विचार किया जा रहा है। सूत्रों ने बताया कि भारतीय वायुसेना यानी IAF की योजना के अनुसार भारत में निर्मित विमान अपने बेड़े में मिग श्रृंखला के लड़ाकू विमानों की जगह लेंगे। ये सभी योजनाएं रक्षा मंत्रालय और अन्य सभी हितधारकों के समक्ष पेश की जा चुकी हैं। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने भी स्वदेशी लड़ाकू जेट कार्यक्रम के संबंध में हाल ही में समीक्षा बैठक की थी। उन्होंने भी इस तकनीक को अपनाने पर जोर दिया। इसके अलावा पश्चिमी नौसेना कमांडर वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने भी स्वदेशी सिस्टम को परखा। उन्होंने उत्तम रडार को नौसेना में शामिल करने पर जोर दिया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।